रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह सबका अपने अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग बनाएंगे आलू पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो जिसमें जो मैंने 2 कप चावल लिए हैं उनको मैंने भिगो के रखा हुआ है, 2 अदद आलू हैं उनको भी काट के रखा हुआ है, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना जिनको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, 1 प्याज है जिसको मैंने बारीक काटा हुआ है, 1 हरी मिर्च है उसको भी काट के रखा हुआ है, और 2 चम्मच मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। जो साबुत मसालों में ये है, एक अली इलायची, 3 ग्रीन इलायची और 4-5 लौंग हैं और 8-10 मेरे पास काली मिर्च है, 2 दालचीनी है और 2 ही तेज़पात है मेरे पास। सूखे मसाले ये हैं, जिनमें 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, जीरा 1/2 चम्मच और 1 मेरे पास चिकन क्यूब है, 3 चम्मच दही जो मैंने मेल्ट करके रखा हुआ है। आइए इसको शुरू करते हैं। 1/2 कप मेरे पास तेल है, इसमें हम प्याज डालेंगे, ये जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर वगैरह डालेंगे, इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है ना वो। प्याज हमारा ब्राउन हो गया, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अब इसमें जो मैंने टमाटर और पुदीना और हरी मिर्च ग्राइंड करके रखा हुआ था ना ये ऐड करेंगे, साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट, साबुत मसाले भी डाल देंगे सारे, जो मैंने 8-10 काली मिर्च और 4-5 लौंग और 3 इलायची ग्रीन और 1 काली इलायची रखी हुई है वो डाल देंगे साथ ही, और साथ में ये 2 तेज़पात और 2 दालचीनी है इनको भी ऐड कर देंगे। अब इनको अच्छी तरह जरा भून लेंगे, ये मसाले ऐड करेंगे जिनमें मेरे पास 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच जीरा और 1 चिकन क्यूब है, आपकी मर्जी आप ऐड करें कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद तो सरके भी कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच मेरे पास चिली फ्लेक्स है। हम इसमें आलू ऐड करेंगे, साथ ही हमने ये 3 चम्मच दही रखा हुआ था ऐड करके उसको डाल देंगे, साथ में इसको भूनेंगे हम, फिर पानी ऐड करेंगे। हमारे आलू अब मसाला भून गए हैं, मसाला भून गया, मसाला तेल ऊपर आ गया, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 कप चावल थे हमारे पास और 4 कप मैंने पानी लिया है, नमक वगैरह आप चेक कर लीजिएगा। अब 10 मिनट तक इंशाल्लाह आलू गल जाएंगे, फिर हम चावल ऐड करते हैं। हमारे पास माशाल्लाह आलू भी बहुत अच्छे गल गए हैं और अब हम इसमें चावल ऐड करते हैं। साथ ही ये हरी मिर्च काटी हुई थी ये भी ऐड करते हैं, नमक आप चेक कर लीजिएगा कि अगर कम लगा आपको तो और ऐड कर सकते हैं आप। अब ये थोड़ा पक जाते हैं फिर हम लोग इंशाल्लाह दम लगाते हैं। चावल हमारे रेडी हो गए हैं, अब इसको हम दम लगाएंगे। आज तक आ दें चूल्हे को और 15 मिनट के लिए दम के लिए रखेंगे हम। हमारा माशाल्लाह पुलाव रेडी हो गया, देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा रेडी हुआ है माशाल्लाह। लाजमी बना के देखिएगा घर में, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिएगा।
आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं या सलाद बना के खा सकते हैं। तो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे दुआ में शामिल रखें। इसी के साथ ही हमें इंशाल्लाह इजाज़त दें, कल मुलाकात करेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।